दोस्तों, अगर जो किसी का भी फेसबुक अकाउंट है उसका पासवर्ड आप पता करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को 3 मिनट देखना। 3 मिनट से बड़ा ये वीडियो नहीं बनेगा, गारंटी है। 3 मिनट के अंदर ही पूरा ट्रिक बता दूंगा कि आप फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों एक काम ज़रूर करना आपको पड़ेगा कि उसका फ़ोन आपको 1 मिनट के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी सेटिंग करना है 1 मिनट उसके फ़ोन में ही करना है। उससे बोल देना कि भाई ज़रा देना अपना फ़ोन, फेसबुक चलाना है, ठीक है। बस अब उसका फ़ोन लेने के बाद उसका फेसबुक ओपन करना। उसका फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको मिल जाएगा 3 लाइन, तो इस 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने 3 लाइन पर क्लिक किया। 3 लाइन पर आप क्लिक करोगे दोस्तों तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। आपको नीचे जाना है। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेटिंग्स का, यहाँ पे तो सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ मैंने सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया। आप सेटिंग पे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने यह वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, यहाँ पे तो जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक किया। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड का। मैं क्या बता रहा हूँ पहले ध्यान से देखो, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे चेंज पासवर्ड का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया। चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल दिख जाएगा, ठीक है। एक बार प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया। अब प्रोफाइल पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपके सामने यह पेज खुल के आ गया। अब दोस्तों आपको यहाँ दो तरीका मिलेगा, दो तरीका से आप उसका पासवर्ड पता कर सकते हो। एक तो दोस्तों आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड बना सकते हो। न्यू पासवर्ड बनाने के लिए दोस्तों आपको पुराना पासवर्ड पता होना चाहिए। पुराना पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसके ऊपर से यहाँ पे नया पासवर्ड, उसके ऊपर से नया पासवर्ड दोबारा यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे तो आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। जो नया पासवर्ड बनेगा उसको आप याद कर लेना। ये तो हो गया पहला तरीका, लेकिन ये पहला तरीका वर्क नहीं करेगा, आप इससे काम नहीं कर पाओगे। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि आपको पुराना पासवर्ड नहीं पता है फिर भी आप नया पासवर्ड बना सकते हो। अब नया पासवर्ड कैसे बनाना है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फारगेट योर पासवर्ड। तो जो फारगेट योर पासवर्ड का जो ऑप्शन आपको मिला है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। फारगेट योर पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने यह वाला पेज खुल के आएगा। अब दोस्तों देखो, एक तो हो गया यहाँ पे मोबाइल नंबर जो कि फेसबुक अकाउंट में रजिस्टर होगा वो यहाँ पे दिखेगा, या तो फिर दोस्तों यहाँ पे जीमेल आईडी दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, या यहाँ पे ओटीपी जाएगा, एक बात का पहले ही ध्यान रखना। तो दोस्तों जो उसका मोबाइल नंबर है वो तो उसके फ़ोन में ही होगा और फ़ोन उसका आपके पास ही है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन होगा मोबाइल नंबर ही वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मतलब इसके आगे जो ये आपको बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर मैंने टिक किया तो ये यहाँ पर नीला कलर का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर देना है और नया पासवर्ड बनाने रहें। मैं अपने फेसबुक अकाउंट का नया पासवर्ड नहीं बनाना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं यहीं तक आपको बताऊंगा। यहां से आगे कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, बस आपको वहाँ पर न्यू पासवर्ड डाल देना है और उसका फेसबुक अकाउंट बंद कर देना है, मतलब ऐसे क्लोज कर देना है और क्लोज करके दे देना है, ठीक है। अब उसका नया पासवर्ड बन गया, उसके मोबाइल में भी उसका फेसबुक अकाउंट चलेगा और आप अपने मोबाइल में भी उसका फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेना, क्योंकि आपको पासवर्ड मिल ही गया तो लॉगिन कर लेना। लॉगिन करके उसका फेसबुक अकाउंट आप अपने मोबाइल में भी चला सकते हो। तो ये था तरीका दोस्तों किसी का भी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता करने का, बहुत जेन्युइन तरीका है दोस्तों, बस थोड़ा मोड़ा मेहनत करना है। अगर आप चाहो तो इस तरह से दोस्तों पता कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।